हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस सॉरी, क्योंकि एक दिन छोड़कर वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम मायके में हैं तो वहाँ पर सेटअप वगैरह का नहीं बन सकता है अच्छे से, इसलिए कोशिश करेंगे लाने के लिए रोज़। तो देखिए, आज हम बेसन की बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर के आए हैं, जो कि बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी भी है, बच्चे मांग मांग कर खाएँगे। तो देखिए, ले लिया है एक बाउल बेसन, उसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, नमक संभाल कर डालें। ये देखिए, डाल देंगे ऑर्गेनो थोड़ा सा, अगर आपके पास ऑर्गेनो ना हो तो आप हरी धनिया डाल दीजिएगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लैक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे खाएं। और अब हमने डाल दिया है एक छोटा स्पून भर के ऑयल, जिससे कि खस्ता क्रिस्पी बनेगा। और इसमें देखिए हमने पानी डाल दिया है। अब इसका हम एक लिक्विडी बैटर बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बनाएंगे तो लंग्स नहीं बनेंगे, लंग्स फ्री बैटर बनाना है। तो देखिए, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का है कि डाल रहे हैं और ये बिखर रहा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना अंडों का आमलेट। तो देखिए, अब हमने ले लिया है इसमें, चलिए वो तो हमने साइड में रख दिया है, अब बना लेते हैं फिलिंग। तो ये हमने ले ली आलू, 4 से 5 आलू हैं, जिनको आप ग्रेट कर लीजिए या ऐसे ही मैश कर लीजिए, बस लंग्स नहीं होना चाहिए, लंग्स फ्री होना चाहिए। तो ये देखिए, चिली फ्लैक्स ऐड करेंगे इसमें और ऐड करेंगे, देखिए गाइस, इसको थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार बनाना है। नमक, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। तो देखते रहिएगा पूरी रेसिपी। देखिए, जो हमने परसों की वीडियो, कल की वीडियो में हमने रेसिपी दी थी आपकी, खड़े मसाले पीस कर रखे थे, जिसको मैं बताया भी था कि हम आगे डालेंगे, तो वही 2 स्पून के भर के डाल दिया है। और ये डाल दिया चाट मसाला। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम बता दे रहे हैं, पिछली वीडियो में नहीं देखा था तो डो लगा कर रख देंगे। ये ले लिया है पनीर क्यूब्स में आता है वो, तो उसको हम डालेंगे। देखिए, इसमें हमने धनिया, जीरा, मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया था, वही डाला है। और आप देखिए, ये हमारे बैटर का हम बना लेंगे बॉल्स छोटी छोटी, जो कि लगाने में प्रॉब्लम ना करें। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से टिक्की की तरह बॉल बना लेंगे तो सारी बन जाएंगी इस तरह से। तो ये देख सकते हैं, अब हम अपने पैन पर लगाएंगे ऑयल। तो देखते रहिएगा वीडियो, बहुत यम्मी सी है, बच्चे एकदम मांग मांग कर खाएंगे, इतनी टेस्टी सी है। तो देखिए, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस पर, पैन पर। और अब देखिए क्या करना है, इस तरह से हमने पैन पर फैला दिया है अपना ऑयल। बहुत यम्मी सी रेसिपी लगती है गाइस, और सबसे कम बजट में बनती है, जो कि बहुत अच्छी है, एक यूनिक तरीके का। तो देखिए, इस तरह से हमने एक लैडर भर करके बैटर अपना फैला दिया है पूरा। और इस पर देखिए, फ्लेम को इस समय धीमा ही रखना है, बिल्कुल तेज नहीं रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने बैटर फैलाया और उसके ऊपर एक ब्रेड रख दी है। तो अब देखिए आगे हमें क्या करना है, फ्लेम धीमी है। और ये ले लिया हमने आलू की टिक्की जो बना कर रखी थी, उसको हम अपने पूरे ब्रेड पर फैला देंगे अच्छे से इस तरह से। और अब देखिए क्या करना है हमको, तो अब इस पर हम ले लेंगे पनीर, जिसको हम ग्रेट करके डाल देंगे अच्छे से, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पनीर को अच्छे से डालेंगे। देखिए, आप पहले भी पनीर ऐड कर सकते हैं इसमें, मतलब टिक्की रखने से पहले पनीर ऐड कर लीजिए, ऊपर से ब्रेड स्लाइस चिपका देंगे आप जितना चाहें उतना। आप आलू की टिक्की नहीं रखना चाहते तो ना रखें, सिर्फ पनीर से ही बना लें। तो देखिए, यहाँ पर स्पैचुला नहीं है पलटने वाला हमारे पास, तो हमने चाकू की सहायता से इसको पलट दिया है इस तरह से। देखिए, इसका घोल आप पतला रखेंगे ना और फ्लेम को धीमा रखेंगे तो ये बहुत आसानी से काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए, हल्के हाथों से चाकू से लगाते हुए इसको हमने पलट दिया है। थोड़ा सा दिक्कत आती है, मगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए, इस तरह से अब इसको क्या करेंगे, उलटते पलटते धीमी फ्लेम पर हम इसे सेक लेंगे। देखिए, आप ऑयल की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें भी आप सेकें, घी में बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम अच्छे से उलटते पलटते क्रिस्पी सेक लेंगे। ये खाने में गाइस बहुत अच्छा लगता है, हमारे बच्चों को तो इतना पसंद आया है कि हम बता नहीं सकते। बना करके रखा, तुरंत सारा के सारे चट हो गए, इस तरह से है। तो देख सकते हैं, इसी तरह से हम इसको उलटते पलटते सेक लेंगे। तो देखिए, ये हमारा अच्छे से सीख गया है, स्पॉट्स अच्छे से आ गए हैं, बिल्कुल कच्चा रहने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आलू वगैरह पके हुए थे इस वजह से, कुक्ड थे। तो ये देखिए, आगे हम कट करके भी दिखाएंगे। देखिए, अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, क्योंकि इस तरीके से पलटने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे और आलू की एक टिक्की इसके ऊपर फैलाएंगे। तो
तो ये तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, देख सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे पनीर अपना, इस तरह से अपनी मन से जितना इच्छा हो उतना आप पनीर ऐड कर सकते हैं। और पहले पनीर ऐड करके ऊपर से आलू की टिक्की रख करके फिर से पनीर, मतलब पनीर के दो कोट भी कर सकते हैं और एक कोट भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ग्रेट कर लिया है, तो पनीर को हम इस तरह से इस पर डाल देंगे और ऊपर से हम रख देंगे दूसरी ब्रेड। और देखिए ये बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा तरीका है। और इसको अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम बैटर में अपना लपेट लेंगे और पैन पर रख करके इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए कितना इजी तरीका है हमारा, ये इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो इस तरह से देखिए करते हुए हमने अपने पैन पर रख दिया है, हल्का सा ऑयल ऐड करना चाहें तो कर दें, अगर डाइटिंग फ्री हैं तो ऑयल का कम यूज़ करें तब भी चलेगा। तो ये देखिए अगर आप नॉन स्टिक पैन पर बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से, अब इसे पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से ये पलट जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और देखिए कितना अच्छे से बना हुआ है और बहुत अच्छे से सेक लीजिए, क्रिस्पी इसका शेप भी बहुत अच्छे से आया हुआ है, देख सकते हैं। तो बस इसी तरह से उलटते पलटते हमें सेक लेना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से सेकेंगे, तो सारे इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितना यम्मी लग रहा है, ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो इसको भी अलग प्लेट पर रख लेंगे, आप चाहें तो टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा नेक्स्ट भी बना लेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए गाइस इसी तरह से हम ये बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से इसको भी सेकंड वाले को भी डालेंगे और बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं पलट कर सेक लेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में खड़ा कर कर भी सेक देंगे, जिससे कि जो किनारी में बैटर लग जाता है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, कुक हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे सेक कर रख लेंगे। चलिए सर्व करते हैं अब इसे हम, मन चाहे सॉसेस के साथ या मन चाहे चटनी के साथ, आप जिसके साथ भी सर्व करें उसके साथ सर्व करें। तो देखिए इसको हम कट कर कर भी दिखाएंगे अभी आपको, तो मन चाहे आकार में इसे हम कट भी कर सकते हैं। और गाइस इसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, हमने सिंपल तरीके से ऐड किया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से हम कट करेंगे, तो देखिए इस तरह से नाइफ से कट करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल यम्मी है, और जो कि बहुत खाने में तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगेंगे। तो इसकी देख सकते हैं जो हमने पनीर ऐड किया हुआ है, चीज़ ऐड किया, देखिए गाइस हमने इसे स्लाइस वाला पनीर ऐड किया है। आप चाहें तो नॉर्मल पनीर आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो पनीर की स्लाइस आती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारी रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी यम्मी लग रही है देखने में। तो ये देख सकते हैं आप, दूसरा भी हम कट करके दिखा रहे हैं, जिसको हमने बैटर को फोल्ड करके बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कितने यम्मी से कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। तो ये देख सकते हैं इसमें भी आप पनीर देख सकते हैं कितने अच्छे से है, एकदम यम्मी टेस्टी। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजें, जो कि हमें पढ़कर अच्छा लगता है। थैंक यू।